दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने महिला टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान बुधवार 28 दिसंबर को कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 15 सदस्यीय की टीम घोषित की गई है, जिसमें स्मृति मंदाना को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों टी20 विश्व कप का आयोजन 10 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में होगा और साथ ही जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान हुआ है। और दोस्तों टी20 विश्व कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ केप टाउन में खेलेगी। और दोस्तों ग्रुप टू में टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, आयरलैंड है। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रुप के शीर्ष में दो टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला केप टाउन में 26 फरवरी को खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए भारत की टीम में हरमनप्रीत कौर उप कप्तान है और स्मृति मंदाना उप कप्तान और सैफ अली वर्मा और यास्तिका भाटिया और ऋचा घोष विकेट कीपर के रूप में और जेमिमा रेडिग्र और हरली देओल और दीप्ति शर्मा और देविका वैद और राधा यादव और रेणुका ठाकुर और अंजलि सरवानी और पूजा वस्त्राकर जो की फिटनेस पर निर्भर है और राजेश्वरी गायकवाड़ और शिखा पांडे। और दोस्तों इसी के साथ रिजर्व खिलाड़ी सभी नैनी मेघना और स्नेह राणा और मेघना सिंह है। और दोस्तों आपको बता दें पूजा वस्त्राकर को विश्व कप की टीम में रखा गया है, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्हें अपनी फिटनेस साबित करनी होगी और अगर पूजा अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाती तो उनकी जगह मेघना सिंह को मौका दिया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है पूजा वस्त्राकर अपनी फिटनेस साबित कर पाएगी? आपका जवाब कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।